महिलाओं में जागरूकता एवं उत्थान के लिए अलवर गायनी सोसाइटी, अरावली स्पोर्ट्स एकेडमी और इनर व्हील के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत विजय मंदिर में दौड़ और पोस्टर प्रतियोगिता से की गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में छात्राओं और महिलाओं ने भाग लिया। अरावली स्पोर्ट्स एकेडमी के संयोजक विषम कालरा के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के तहत गायनी सोसाइटी और इनर व्हील क्लब के सहयोग से विजय मंदिर में गुरुवार को दौड़ और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें सरकारी स्कूल और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इनमें विभिन्न आयु वर्ग में दौड़ का आयोजन भी किया गया और विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए गए। इस मौके पर 40 साल से अधिक उम्र की महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया। अरावली स्पोर्ट्स अकादमी पिछले 17 सालों से खेलों के क्षेत्र में सक्रिय है। ये अलवर में नन्हे मुन्ने बच्चों को खेलों के प्रति एक आकर्षण पैदा करने के लिए समय समय पर खेल गतिविधियों का आयोजन करती रहती है। इसने पिछले 17 वर्षों में टेबल टेनिस, लॉन टेनिस और एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है। आज भी हमने विजय मंदिर में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया है जिसमें सिर्फ लड़कियों को शामिल किया गया है और बॉम्बे से भी हमने 10 वेटरन्स एथलीट्स को यहाँ बुलाया था जिससे कि बच्चों के अंदर जोश पैदा हो सके और बच्चों को आगे की गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिल सके। ज़्यादातर इस प्रतियोगिता में आसपास के गांवों की बच्चियों ने भाग लिया है और उनके हम ये संदेश देना चाहते हैं कि गाँव की लड़कियों को भी और गतिविधियों में पूरा योगदान देना चाहिए और उन लड़कियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने शहरों की लड़कियों के मुकाबले में आगे जीत हासिल की है। गायनी सोसाइटी से मोनिका गुप्ता ने बताया कि महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए इस तरीके के आयोजन किया जाना बेहद जरूरी है। पहले हमें खुद सशक्त बनने की आवश्यकता है। समाज में महिलाएं भी पुरुषों की बराबरी का हक रखती हैं। आज का कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण पे आज का कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण पे रखा गया है। इसमें 3 सोसाइटी, अलवर ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी सोसाइटी, इनर व्हील क्लब ऑफ अलवर एंड अरावली स्पोर्ट्स अकेडमी ने मिलकर किया है। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि शहर में एक चेतना जगाना, जागरूकता जगाना कि हमें लड़कियों को, महिलाओं को अपने लिए कुछ करना है, किसी और से मदद मांगने के पहले स्वयं को पहचानना है कि हमें हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि मदद देने के लिए बहुत लोग तैयार हैं, सरकारी, गैर सरकारी संस्थाएं सब जने, पर हमें हम तो संबल बने। इसके लिए हमने एक रन फॉर राइट्स कराई है जिसमें है ना लड़कियां भागी हैं लक्ष्य तक ताकि उनको ये संदेश मिल सके कि हमें अपने लक्ष्य तक दौड़ना है। गायनी सोसाइटी की तरफ से पोस्टर कॉम्पिटिशन कराया गया है जो वुमेन एम्पावरमेंट पे, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे था, जिसमें लड़कियों को ये चेतना मिल सके, वो उसको बनाएंगी, उसके बारे में सोचेंगी, चिंतन करेंगी, डाटा कलेक्ट करेंगी ताकि उनको ये पता लग सके कि हमें क्या समस्या और हमें क्या समाधान करना है। और जो बॉम्बे से नवदुर्गा ग्रुप आया है उसने बच्चों को आत्मरक्षा के गुण सिखाए हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए बहुत ज़रूरी हैं। 2:30 बजे महावर ऑडिटोरियम में सबका फेलिसिटेशन प्रोग्राम होगा, सबको सम्मान समारोह होगा, पुरस्कार वितरण होगा और 21 तारीख को वॉक फॉर अवेयरनेस, जागरूकता के लिए चलिए बाला किला पे आयोजित की जाएगी। धन्यवाद। विजय मंदिर में सुबह 7 बजे शुरू हुई इस दौड़ में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भाग लेने पहुंची। महिलाओं की आवाज बुलंद करने के लिए मुंबई से भी एक महिलाओं का दल इस आयोजन में भाग लेने अलवर पहुंचा। विभिन्न वर्गों में हुई दौड़ और बीएड कॉलेज की छात्राओं की पोस्टर प्रतियोगिता भी करवाई गई। यहाँ छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। इसके अलावा 20 अप्रैल को सुबह 7:30 बजे तिजारा में जागृति दौड़ और 21 अप्रैल को सुबह 7 बजे बाला किला पर हेरिटेज वॉक का आयोजन किया जाएगा।